हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आप लोगों को पता है कि मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं वो सारे सबकी अलग अलग लिस्ट बनी हुई है, हर सेम की। थर्ड बीसीए थर्ड सेम, बीसीए फिफ्थ सेम, बीसीए फोर्थ सेम, बीसीए सेकंड सेम, बीसीए फर्स्ट सेम, क्रैश कोर्स, इन सबकी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आपको वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम लोग बीसीए फोर्थ सेम की मैथ्स पढ़ेंगे जिसका नाम मैथमेटिक्स थर्ड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे। तो देखिए, वर्किंग रूल फॉर अप्लाइंग द कंपैरिजन टेस्ट। अब इसमें है क्या, सिग्मा यूएन सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट कब होगी, जब सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट होगा। अगर सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट है तो जो मेरी सीरीज है सिग्मा यू एन वो भी डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। अब देखिए, अगर वी एन इज इक्वल टू सिग्मा वी एन इज इक्वल टू सिग्मा वन अपॉन एन की पावर पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू क्या है, एन की पावर है, कुछ भी हो सकती है एन की पावर। अगर वो जो पावर है वो ग्रेटर देन वन है तो सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट होगा, और अगर p माइनस क्यू लेस देन इक्वल टू वन है तो सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन है वन अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस थ्री अपॉन टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस फाइव अपॉन थ्री इंटू फोर इंटू फाइव डैश डैश डैश। तो जब भी इस तरह की सीरीज लिखी हुई होती है तो सबसे पहले हम उसका nth टर्म लिख लेते हैं। तो सबसे पहली सीरीज क्या है, वन प्लस थ्री प्लस फाइव ऊपर वाली, तो ये एक AP है। AP का कॉमन डिफरेंस इसमें 3 माइनस वन अगर निकालोगे तो 2 निकलेगा। तो A प्लस एन माइनस वन डी वाले फॉर्मूले में जब आप पुट करोगे तो आपको तम आपको मिल जाएगा 2n माइनस वन। अब ये देखिए, 1, 2, 3 आगे 4, 5 ऐसे होगा, तो 1, 2, 3, 4 इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, n। अगर आपकी सीरीज स्टार्ट है 2 से, 2, 3, 4, 5, 6 तो 2 स्टार्ट है, तो पहला nth टर्म क्या होगा, n प्लस 1। n में जब आप 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 2। फिर ये देखिए 3, 4, 5 थर्ड वाले टर्म देखिए सबके, तो 3 से स्टार्ट है तो इसका मतलब क्या होगा, n प्लस 2 होगा। अगर n की जगह आप 1 पुट करोगे तो पहला टर्म आपको 3 मिलेगा, जो कि यहाँ पे मिल रहा है। तो हमने सबके nth टर्म देखिए लिख लिए यहाँ पे, यू एन इज इक्वल टू ऊपर वाले से n कॉमन ले लिया और नीचे n प्लस 1, n प्लस 2 से n कॉमन ले लिया दोनों से n, तो वो n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर देखिए 2 माइनस 1 अपॉन n आ जाएगा, नीचे 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 2 अपॉन n, ये n स्क्वायर लिखा हुआ है। ये n जो पहले का था उससे ऊपर वाला n कट जाएगा, तो 1 अपॉन n स्क्वायर आ गया। तो यही है, 1 अपॉन n स्क्वायर हम ले लेंगे vn को। तो सिग्मा वी एन इज इक्वल टू सिग्मा वन अपॉन एन स्क्वायर। अब एन की जो पावर है वो 2 है, 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये कैसी सीरीज है, सिग्मा वी एन क्या है आपका, कन्वर्जेंट है। तो सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट है तो सिग्मा यू एन भी कन्वर्जेंट ही होगा। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे फॉर्मूला लगाया हमने यू एन अपॉन वी एन। अब यू एन हमारा क्या था, यू एन हमारा था ये वाला टर्म, यू एन था हमारा ये और ये तीनों हम लिख लेंगे और 1 अपॉन एन स्क्वायर भी लिखेंगे। लेकिन जब हम वी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर रखेंगे तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि यू एन में भी 1 अपॉन एन स्क्वायर है और वी एन में भी 1 अपॉन एन स्क्वायर है, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर आपस में कट जाएंगे तो ये बचेगा। अब इसमें अगर आप एन की जगह पे इंफिनिटी रखोगे तो 1 अपॉन एन इंफिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो इन सब की जगह आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल ये 2 बचेगा, यहाँ पे ये 1 बचेगा और 1 बचेगा। 1 से 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 मिलेगा और 2 से डिवाइड करोगे 2 मिलेगा। अब 2 क्या है, विच इज फाइनाइट नॉन जीरो बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट, क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं कि सिग्मा वी एन हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है। अब एक चीज और समझा देते हैं आप लोगों को, जैसे ये आपका nth टर्म था तो आप vn कैसे फाइंड करोगे, तो कोई भी सीरीज हो तो vn निकालने का सबका एक सिंगल फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या, ये आप समझ लो एक शॉर्टकट रूल है जो हम आपको बताए दे रहे हैं। जैसे un इज इक्वल टू, ये आपका रफ
ये आपका रफ वर्क है, आपको हम बता रहे हैं किसी भी सीरीज में सिग्मा वी एन कैसे निकालोगे, एन प्लस वन और एन प्लस टू। तो अब आप देखो वी एन निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर जितने भी एन हो, ऊपर जितने भी एन हैं वो आप लिख लो, तो ऊपर केवल एक एन है तो एक एन लिख लिया। अब नीचे कितने एन है, वन टू और थ्री, तो नीचे हमने लिख लिया एन क्यूब क्योंकि थ्री एन थे। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वन अपॉन एन स्क्वायर। एक मिनट देख लेते हैं ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं बोर्ड पे, हाँ दिखाई पड़ रहा है, तो वन अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, वी एन। तो यही से क्या हो जाएगा, सिग्मा वी एन इज इक्वल टू सिग्मा वन अपॉन एन स्क्वायर। तो ये हमने आपको वी एन निकालने का तरीका बताया, और सिग्मा यू एन सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है ये किस पे डिपेंड करता है, सिग्मा वी एन पे। और सिग्मा वी एन अगर आपका वन अपॉन एन की पावर जो भी आई अगर वो ग्रेटर देन वन है तो सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट है, अगर उस एन की पावर लेस देन या इक्वल टू वन है तो सिग्मा वी एन क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।